name is Rukaiya Arshad. I am your social study teacher. Today I am delivering lecture to class 5. Now students, open your social study book and page number 42. Page number 42 पर जो आज हमारा टॉपिक है वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ज़राए इबलाग. स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि ज़राए इबलाग क्या होते हैं. ज़राए इबलाग वो होते हैं जिससे हम लोग अपना पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं, यानी कि ये राब्ते के ज़रिए हैं कि किसके ज़रिए से हम दूसरों से राब्ता करते हैं और अपना पैगाम पहुँचाते हैं. उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी कि अखबारातों रसाय. इनके ज़रिए भी हम जो है वो इत्तला तो मालूमात और तफरी वगैरह जो है वो पहुँचा सकते हैं. ये बहुत एक बेहतरीन ज़रिए है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो है टेली कम्युनिकेशन. इसमें टेलीफोन और टेलीग्राफ का महकमा आता है. इसकी देखभाल के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड काम कर रही है. टेली कम्युनिकेशन की बदौलत किसी भी बात या ख़बर को फौरन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो. रेडियो क्या है कि पाकिस्तान में बहुत से रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं जो कि कौमी और दीगर मुख्तलिफ ज़बानों में प्रोग्राम नशर करते हैं, और मुल्क की एक कसीर आबादी जो है वो रेडियो की नशरियात से इस्तफादा करती है. इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की नशरियात दुनिया के 81 जो हैं कंट्रीज़ वहाँ उस तक पहुँच रही है. सरकारी रेडियो के अलावा बहुत से FM रेडियो स्टेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेलीविज़न. टेलीविज़न क्या है, जदीद दौर की एक बहुत अहम इजाद है जो ना सिर्फ लोगों को सस्ती तफरी और तालीम मुहैया करता है बल्कि दुनिया में रोनमा होने वाले तमाम अहम वाक़ात से भी लम्हा ब लम्हा हमें बाखबर रखता है. आप लोग देखते हो अक्सर कि जो न्यूज़ आनी हो वो फौरन टेलीविज़न पर आ जाती है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो 20वीं सदी की बहुत अहम तरीन इजाद है. इसकी मदद से बेशुमार काम मिनटों और सेकेंडों में कर लिए जाते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए मुख्तलिफ अदाद शुमार अहम कागजात और दीगर मालूमात को महफूज किया जा सकता है. मौजूदा दौर में कंप्यूटर पैगाम रसानी का बेहतरीन ज़रिया है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेट. इंटरनेट स्टूडेंट्स, बताती चलूँ कि कंप्यूटर के दौर का ऐसा कारनामा है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह बजरिया मवासिलात की सयारा मालूमात का तबादला किया जा सकता है. इसकी मदद से मालूमात का तबादला दुनिया में किसी भी जगह पर बैठ के किया जा सकता है. पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट की सहूलत मुहैया की गई है. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इतने जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें हमारे पास इन सोर्सेज के कुछ जो है एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस. उसके एडवांटेजेस क्या है, कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस. उसके बाद यानी कि हमारे पास है फिक्री रहनुमाई. उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि समाजी मसाइल का हल. नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल अवेयरनेसेस, यानी कि सियासी आगाही. उसके बाद है नेशनल यूनिटी, यानी कि कौमी यकजहती. हेल्थ एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स, सेहत और तबई मसाइल. टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, तफरी मुहैया करना. प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, कौमी तरक्याती मनसूबों की तशहीर. नेक्स्ट है एजुकेशन, यानी कि तालीम. और नंबर 9 पर है हमारे पास एरेडिकेशन ऑफ क्राइम्स, यानी कि जुराइम का खात्मा. यानी कि ये जो है इनसे हमें ये फ़ायदे मिलते हैं टेली कम्युनिकेशन से. स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमारे पास टेली कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि नुकसान. उसमें हमारे पास आ जाता है फॉल्स न्यूज़ एंड ब्रम्योर्स, यानी कि झूठी खबरें और अफवाहें. रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, यानी कि जराइम की रिपोर्टिंग. क्रेज़ ऑफ फैशन, यानी कि फैशन का जो है हमारे पास क्रेज़, यानी कि वबा. ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे. अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि रोल ऑफ मीडिया इन पॉलिटिकल प्रोसेस. मौजूदा दौर में मीडिया की अहमियत बहुत बढ़ गई है. सियासी अमल और राय आम हमार करने में मीडिया अहम किरदार अदा करता है. पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है. पाकिस्तान अवामी तसरात को सियासतदानों और हुकूमती अवानों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है.
स्टूडेंट, ये तो आज आप लोगों को मैंने बताया है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास कौन कौन से हैं और उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कॉपी वर्क। स्टूडेंट्स, कॉपी वर्क में आप लोगों ने सबसे पहले बनाना है टाइटल पेज। टाइटल पेज में आप किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की यहाँ पर पिक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर की रीडिंग में हम लोगों ने कुछ न्यू वर्ड्स जो है वो हम लोगों ने देखे थे। उस न्यू वर्ड्स में आज हम उनकी न्यू टर्मिनोलॉजी जो है वो करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन, यानी कि एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेली कम्युनिकेशन, और आ डिस्टेंस बाय केबल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेडिकेशन ऑफ क्राइम, टू गेट रिड ऑफ क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, आ नोटिस इन आ पब्लिक। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने न्यू टर्मिनोलॉजी जो कि है वो नोटबुक पे राइट करनी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।